हेलो एवरीवन दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। आपको बता दूं मैं कि जो CSEB द्वारा लाइनमैन के 3000 पदों पर भर्ती जो ली गई थी, उस भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने भर्ती में जो बोनस अंक का प्रावधान किया था उसको पूरा नकारते हुए नए सिरे से विज्ञापन जारी करने के आदेश जो हैं जारी कर दिए हैं। पूरी खबर डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी की ओर से की जा रही 3000 लाइनमैन की भर्ती के विज्ञापन को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस PCM कोसी ने माना है कि उम्मीदवारों को बोनस अंक देने में भेदभाव किया जा रहा है, इसलिए विज्ञापन को निरस्त कर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इस आदेश के बाद अब विद्युत वितरण कंपनी को फिर से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना होगा और हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा। आपको बता दूं मैं कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने परिचारक यानी कि लाइनमैन के 3000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए 12 अगस्त 2021 को विज्ञापन जारी किया था, जिसमें कि करीब 36,000 युवाओं ने आवेदन किया था और जो आपका चयन का आधार यानी कि जो योग्यता रखी गई थी वो 10वीं पास रखी गई थी और इसमें जिन्होंने जो संविदा के रूप में वर्क कर रहे थे उनको कार्य अनुभव के आधार पर बोनस अंक मिलने की बात भी इसमें लिखी गई थी। तो भर्ती जो थी मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाना था। 10वीं में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को 70% वेटेज देते हुए इसमें कार्य अनुभव के लिए 1 से 3 साल तक के अनुभव को 20 अंक और 300 से ज़्यादा अनुभव 3 साल से ज़्यादा अनुभव वाले को 30 अंक देने का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, अनुभव अंक देने के नियम को दी गई थी चुनौती। तो रायपुर के याचिकाकर्ता बेखराम साहू ने एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो विद्युत भर्ती जो वितरण कंपनी है उसमें भर्ती में संविदा कर्मियों को प्राथमिकता देने के लिए ही उनकी नियुक्ति तैयार कर ली गई है, इसी हिसाब से अनुभव अंक को प्राथमिकता दी जा रही है जो कि संवैधानिक नहीं है। याचिका में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भर्ती में समानता होनी चाहिए, लेकिन विद्युत वितरण कंपनी में भर्ती में भेदभाव किया है। इस तरह से मनमानीपूर्ण तरीके से की जा रही है और भर्ती को निरस्त करने की मांग की गई थी। ठीक है, बता दूं आपको मैं कि जो ट्रेनरों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, 2700 संविदा कर्मियों को भर्ती करने का षड्यंत्र जो है बताया जा रहा है। यानी कि जो याचिका करते थे उनके हिसाब से उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पर पहले से संविदा के रूप में कार्य कर रहे हैं केवल उन्हीं को भर्ती में प्राथमिकता दी जा रही है, यानी कि उनका चयन पूर्ण तरीके से उनको ऐसा बना दिया गया है उनके नंबर को बोनस नंबर दे करके कि उनका चयन पक्का हो जाए। तो इसी बात को लेकर के विवाद जारी किया गया था जो कि अब पूरी तरीके से भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। तो अब आपके 1 से 2 महीने के बीच में आपको जो है पूरी भर्ती प्रक्रिया नई सिरे से आपको देखने के लिए मिलेगी। बता दूँ कि इसका जो फिजिकल टेस्ट भी पूरा हो चुका था, बस रिजल्ट आने वाला था साथ में साथ ही, तो उसको भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। नए सिरे से विज्ञापन जारी करके जो उसमें बोनस अंक का प्रावधान किया गया था उसको हटा करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके संबंधित कुछ अगर अपडेट आती है तो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।